इनको पता होगा अपना आगे बढ़ते चलेंगे, नहीं पता होगा कॉपी लिख लेंगे, नोट्स बनाने का कि ये टॉपिक मुझे तैयार करना है इस तरीके से। लार्जेस्ट आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ओशियन? यदि आपको पता हो दुनिया का सबसे बड़ा क्या नाम है आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है, तो अब आपको ये भी बोल दीजिए, वहीं से बोल दीजिए। इनको बड़ी मुश्किल से तैयार किया था सर, कोई वहां और नहीं है जो भेज दे, कोई ऐसा जो आपको एनी डेस का वो दे दे, आसपास में कोई चला जाएगा चला दे, क्योंकि ये बेसिकली छुट्टी नहीं होती इनकी। अरे आप चलिए कोई बात नहीं, हम तो बड़ी कोई बात नहीं, तुम कुलदीप को फोन करके आए और स्टैटिक जीके का प्रिंट निकालो पूरा, स्टैटिक जीके का प्रिंट निकालो पूरा, उस पर हम काम करेंगे रात को फिर, क्योंकि आज का टाइम हम इनको बाहर ढाबे पे लेके जाना है खाने के लिए इनको। ठीक, सबका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, चले सबका स्पेसिफिक था, सबका आर्टिक था। ठीक, इस पे ज्योग्राफिकली ये कहाँ आता है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका। पॉलिटिकली किसका कंट्रोल है, देखो इसमें कहीं लिखा होगा डेनमार्क लिखा है, तो दोनों क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर है, सबसे बड़ा कौन सा है, किसका कंट्रोल है और किसके कंट्रोल में रहता है, दोनों तीनों फैक्ट हो गया। सबसे बड़ा कौन सा, जैसे इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा कौन सा है, मेडागास्कर, यस। मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल डेनमार्क का है, ये फिजियोग्राफी के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये मतलब। भारत में सबसे अधिक सॉइल कौन सा पाया जाता है, इसे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। भारत के लगभग 40% हिस्से में एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एलुवियल के बाद सबसे अधिक कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, और फिर तीसरे नंबर पे रेड सॉइल। चल और सबसे प्रोडक्टिव भी एलुवियल ही। इसे ये भी आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता है आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तमिलनाडु। ठीक है, इनकमिंग केरल, आउटगोइंग तमिलनाडु, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। लगभग 60-70% बारिश इससे और 15-17% इससे और कुछ है बच्चे, हाँ कोई नहीं नहीं कोई अरावली का तो कहानी कम है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे एक क्वेश्चन में भी। लैंड जल्दी गर्म होगा या वाटर, लैंड जल्दी ठंडा, वाटर होगा लैंड, लैंड। तो भूमि की क्या प्रकृति हुई, जल्दी ठंडी हुई जल्दी गर्म हुई, जबकि जल का क्या है, देर से गर्म होता है देर से ठंडा होता है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में बनता है, आपको पता भी होगा कि तालाब का जल या नदी का जल सबसे अधिक गर्म कितने बजे होगा, 12 बजे होगा या 3-4 बजे होगा, 3-4 बजे होगा, और सबसे ठंडा
रात को भी इसी तरीके से शाम से ठंडा होना शुरू करेगा, होते 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 रात हो जाएगा, लेकिन भूमि क्या जल्दी जल्दी ठंडी जल्दी गर्म। अब देखो ये हमारा इक्वेटर मान लेते हैं, तो जो अर्थ का लाइट सन का हिस्सा है मई जून वाले महीने में सनलाइट, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, ज्यादा लाइट होगा, ज्यादा गर्मी होगी। तो तुलनात्मक रूप से इस हिस्से पर जो अर्थ वाला हिस्सा है हमारा ये पड़ रहा है, ज्यादा हीट होगा तो लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा क्योंकि ज्यादा गर्म है, और आप जानते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का अपोजिट रिलेशन होता है, और यहां पे तुलनात्मक रूप से कोल्ड है ये, तो यहां हाई प्रेशर बनेगा। लानिनो एलिनो किस दिन मानसून पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, अभी के लिए बस ऐसे बता रहा हूं क्यों वापस जाते हैं। तो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लगते हैं और लगभग जून से शुरू होगा, अगस्त सितंबर तक पहुंचेगा। लेकिन अब क्या होगा कि सन थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव करेगा, तो अब ये वाला हिस्सा गर्म होना शुरू करेगा और इधर अब हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा क्योंकि यहां ठंडी शुरू हो गई है। तो अब विंड उल्टा चलेगी, तो उल्टा चलेगी तो यहां से ओशियन वाले एरिया से होके गुजरेगी, तो यहां से कुछ मॉइस्चर लेके आएगी और इस मॉइस्चर को लेकर के आगे तमिलनाडु में वर्षा करेगी। तो दोनों तीनों के तरीके से क्वेश्चन कि ठंडी में कहाँ वर्षा होता है, लौटते हुए मानसून से कितना वर्षा होता है, लौटते हुए मानसून से किस जगह होता है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन। क्यों कई बार मानसून फेल हो जा रहा है, तो लानिनो एलिनो का कॉन्सेप्ट है, जिस मानसून पढ़ाएंगे तो आराम से डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। यहां पे यदि हिमालय नहीं होता तो सिर्फ जाने वाले प्रोसेस होता, लो प्रेशर हाई प्रेशर बनता ही नहीं, हो सकता मानसून ही नहीं बनता। आप पढ़ेंगे कि मानसून आने के क्या क्या कारण है, तो इसमें हिमालय की उपस्थिति बताएंगे, भारत का पेनिनसुलर शेप बताएंगे, इंडियन ओशियन का प्रेजेंस बताएंगे, ढेर सारे कारण होंगे। तो सारे कारण मिलकर के लो प्रेशर हाई प्रेशर का एरिया जनरेट करते हैं, तब जाके एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कल आपके टेस्ट में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भी है, सी ब्रिज कब जनरेट होता है, लैंड ब्रिज कब जनरेट होता है, इतना सबको समझ में आता है, यही कॉन्सेप्ट है वहां। चल ये पूरा है कहानी, वहां से वापस आने से लगे अभी से आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। भारत का टाइम जोन कहां से गुजरता है, मिर्जापुर नैनी इलाहाबाद है 82.5 ईस्ट, क्यों इसी को चूज किया गया वो देख लो। degrees 7 minutes 97 degrees 25 minutes, तो इस हिसाब से लगभग 2 घंटे का अंतर हो जा रहा था। 2 घंटे का मतलब कितना हो गया, 15 मिनट पे 1 घंटा हो जाता है, तो हमने थोड़ा सा 15 डिग्री इधर कर दिया, 15 डिग्री इधर, और बीच का रास्ता निकाल लिया और इसको हमने अपना टाइम जोन बना लिया। अभी आ रहा है कि 10 डिग्री थोड़ा इधर कर देते हैं और 10 डिग्री इधर कर देते हैं, 2 टाइम जोन बना देते हैं, क्योंकि 2 घंटे का गैप बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है। सच्चाई तो यही है, जब यहाँ 8 बज रहा है तो भी वहाँ पे 8 बज रहा है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है, तो इन फ्यूचर हो सकता है हम बनाए टाइम जोन और ढेर सारे। डेट लाइन कौन सा है और टाइम लाइन कौन सा है, मतलब वैसे वर्ल्ड लेवल पे किसे डेट लाइन कहते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री 180 डिग्री, हमने हमने सबको लॉन्गिट्यूड ही बोला है, टाइम लाइन या डेट लाइन, डेट लाइन 0 डिग्री, ठीक से पढ़ लेना कल आएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश कुल्लू, साइड में था ये नहीं था, था चलो ठीक, अच्छा ग्रेट हिमालय, ठीक है था। इंडियाज परमानेंट रिसर्च दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन, कहां पे साथियों, अब देखो इन्होंने ऑप्शन इतना आसान कर दिया, यदि ऑप्शन देता आर्कटिक और अंटार्कटिक तो साथ तुम कंफ्यूज भी होते। सबसे पहला रिसर्च सेंटर है हमारा ये,
दक्षिण गंगोत्री, अब हालांकि खत्म हो गए, अब मैत्री और हिमाद्री चल रहे हैं। तो हिमाद्री कहां पर? आर्कटिक में, ये लिख लेना। हिमाद्री और मैत्री अंटार्कटिक, भारती अंटार्कटिक। तो तीन तो थे अंटार्कटिक में, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री खत्म हो गया, दो बचे हैं अभी अंटार्कटिक में और आर्कटिक में एक। क्या मतलब है? ये वो जगह है जहां पे मानव नहीं रहते। तो हर देश ने अपना अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है कि कोई एक्सपेरिमेंट करना है कि मानवता पे क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो उस तरीके के, जैसे गुप्ता जी कल परसों मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने समझाने का प्रयास किया लेकिन उनको समझ नहीं आया, तो फिर मैंने मना कर दिया, छोड़ दो नहीं आएगा। उसको समझते हैं क्या था इनका क्वेश्चन। डेजर्ट समझते हैं? डेजर्ट क्या होता है? जहां पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी ना हो, सिंपल सा मतलब है डेजर्ट का। ये नहीं कि सैंड होना चाहिए, प्रोडक्शन की एक्टिविटी ना हो। तो मान लो कहीं सिर्फ आइस ही आइस है, तो डेजर्ट बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोल देंगे और अच्छा वर्ड हो जाएगा। तो उसमें सेंटेंस लिखा था कि यदि अंटार्कटिक को एज ए डेजर्ट काउंट किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट होगा, ये था। लेकिन हम उसको कॉन्टिनेंट के रूप में काउंट करें, इसलिए हम डेजर्ट कहने बजाय कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, ये उसका मीनिंग था। लेकिन को मैंने दो तीन बार कोशिश किया, नहीं आया। तो कई बार क्या होता टीचर, ये आएगा नहीं छोड़ दो ये। और दूसरा क्या होता, कई बार हम इनफॉर्मल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस में लेते हैं। तो क्वेश्चन वेश्चन जब पूछना हो तो बोलो सर चार क्वेश्चन है, आज बैठो बताओ, और नहीं समझ में तो बोलना है कि नहीं समझ में आया, चल लिख दिए ये। बहुत सारा हो सकता है, हम तो एक सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किए। प्रोडक्टिव एक्टिविटी ना होगी, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बोल के ना आ जाए तो क्या डिजर्ट कहलाएगा? जवाब है नहीं। तो उसमें रेलफॉल मेन है, टेम्परेचर मेन है, बहुत सारे फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं है। इस टॉपिक को जब वीडियो में देखोगे मजा आ जाएगा। पांच हमारे पास प्रयाग हैं, ये जो ऑनलाइन है इनको तो अच्छे से आता है ये वाला। तो उस पांचों प्रयाग में सब में कॉमन है भागीरथी। तो याद कैसे करें कौन किससे किससे मिलकर बनता है? तो इसका हमने तरीका बनाया, बैड पाक मार दाव। सॉरी वहां भागीरथी बोल दिया था, अलकनंदा सब में कॉमन आएगा। ये वीडियो देखना तुमको बहुत मजा आएगा, मतलब हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो बैड का मतलब क्या है? भाग रखी। और अलकनंदा कहां पर? देवप्रयाग में। पाक का मतलब क्या होगा? तो कहीं कर्ण प्रयाग मिल रहा है क्या? देखो तो अलकनंदा तो होगा ही होगा और पिंडर। मार कहीं मिल रहा है क्या? रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। दाव कहीं मिल रहा है क्या? विष्णुप्रयाग। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे आप पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे ट्रिक से ऐसे पढ़ते हैं तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। तो ये इसके इस पे टॉपिक पे मैंने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो उसको देखिएगा जरूर, देवप्रयाग। क्रम भी पूछ लेगा, ऊपर से नीचे चलते हैं तब, नीचे से ऊपर चलते हैं तब, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, आ चुका है एसएससी में, यूपीएससी में मैचिंग करने के लिए। एक और बचा है, देखो कौन सा बचा है। ये थोड़ा काम नहीं करता इसलिए हम उसको अलग से लिख देते हैं। चल क्लियर है? पांच प्रयाग होते हैं, पांचों किससे किससे मिलकर बनते हैं ये पूछ लेता है। बगलीहार प्रोजेक्ट किस नदी पर है? क्या सबका जवाब चिनाब है? चल इसको भी आप, पांच नदियां हैं हमारे, है ना? तो पांचों का क्रम पूछता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो
तो हमने बोला था, और नीचे क्या था, राज्यसभा। हाँ जो भी ये भी सब पढ़ा रखा है, उस समय मुझे ही याद था। चल इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य है, सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों वाला राज्य। यदि आप सबके जवाब यूपी हैं तो आप सही हैं, इसके अलावा कुछ भी हैं तो गलत है। यस देख लीजिए आठ कौन कौन से हैं। बिहार, एमपी, और जो जो हैं देख लो एक बार ऊपर से, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, इंटरनेशनल बॉर्डर विथ नेपाल। अच्छा ये क्वेश्चन पिट मान के चलो एसएससी का, कभी नेबरिंग कंट्री का पूछ लेगा, जैसे आज वाले में था कि कौन झारखंड से सीमा नहीं लगाता है रेलवे वेलवे में, तो इस तरीके। तो इतनी हम उम्मीद करके चलते हैं कि आपको मैप की समझ होगी, एक 1% नहीं होगा तो किसी दिन इसको ट्रिक से सिखा देंगे तो और आसान हो जाएगा। लेकिन ये आपको लिख के रखना होगा कि सर मुझे ये टॉपिक आपने पढ़ा देना है, मुझे नहीं समझ में आया है। जैसे रिवर का मैंने खुद ही कह दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रिवर का वीडियो हमने बहुत बढ़िया बना रखा है, उसको आपने देख लेना है, लेकिन लाइफ टाइम रिवर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और वो जरूरी टॉपिक है। अब देख लो, अब इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ मोस्ट साउदर्न मोस्ट, सिर्फ एक ही बच्चा सही बोल रहा है, कार्डमम। निम्नलिखित में से सबसे नीचे कौन सा है और ओवरऑल कौन सा है, कार्डमम, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी। द वेस्टर्न घाट एंड पेरियार सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड द कार्डमम हिल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न घाट पढ़ चुके हैं, एला मेला माउंटेन रेंज, ये सब अभी नहीं पढ़ना। अभी से आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपने पढ़ा था कब सन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा आएगा, कब इक्वल होगा, इस पे कल क्वेश्चन है, तीन चार ध्यान रख लेना इस टॉपिक पे, और ये आसान टॉपिक है। एपीहेलियन, पेरिहेलियन, 21 जून है सबका, ठीक। अब देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 23 डिग्री एंड हाफ से हम झुके हुए हैं, तो ज्यादा लाइट किधर की तरफ पड़ रहा है, नॉर्दर्न में पड़ रहा है, साउथ वाले में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा इस पर। और फिर ये जो है इक्विनॉक्स बोलते हैं विषुव, इसको स्प्रिंग भी और इसको ऑटोनम, तो जब दिन और रात बराबर हो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है इससे, विषु क्या होता है, हाँ हाँ इक्विनॉक्स दोनों है, विषु है हिंदी में, जब डे और नाइट बराबर हो। यदि आपको टेबल याद करना है, वही शरद ऋतु, ग्रीष्म और शीतकालीन, ये मतलब कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे होगा बड़ा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में छोटा होगा, नाइट यहाँ बड़ा होगा तो वहाँ डे छोटा। अब देख रहे होगे पहले 10-15 दिन पहले तक 6 बजे तक अंधेरा हो जाता था, ले अब 6:15 तक जब हम लोग आ रहे हैं तो अंधेरा नहीं रह रहा है, और अगले जो खत्म होते जनवरी लगभग 6:30-7 तक उजाला रहेगा, तो फिर आपका टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब कौन सा है, अभी 44 हुआ है, पहले 7 था। और सबसे छोटा कौन सा है, निकम, हाँ केरल में 6 किलोमीटर, देखो यहां पे लिखा है केरल में
6 किलोमीटर, कोची केरल, टोटल 228 नेशनल हाईवे। NH-44 इज द लार्जेस्ट फ्रॉम दिस किलोमीटर, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये लिखना चाहिए आपको, नहीं पता हो तो। यही पहले क्या था? 7 था। हाँ बच्चे, एक और दो जो ये सामने से गुजर रहा हमारे, उन्होंने बनाया व्यापार के लिए। एक प्रशासक क्या चाहेगा कि मेरे लिए इजी हो ट्रांसपोर्टेशन? सराय बनाए थे जगह जगह। ये तो आज हमें लग रहा है ना कि हम बिजनेस तरीके से सोच रहे हैं, तब भी हम बिजनेस तरीके से शासन करते थे। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सिस्टम को रेवेन्यू तो चाहिए। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज चारों महानगरों को जोड़ लें। एक बार वो चार्जिंग में लगाना, ये डिस्चार्ज होने वाला है, वहाँ पे होगा इसका बाहर वाला, इधर लगेगा वो लगा देना। मैंने पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक आप लोगों को? नहीं पढ़ा देंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये भी आसान है यार, क्योंकि महाभारत की लड़ाई हुई थी वो कह रहे हैं, तो ऑप्शन में भी नहीं है। मिट्टी लाल इसलिए महाभारत की लड़ाई हुई थी। फेरिक ऑक्साइड है ना, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है। वही है वायर व्हाइट कलर का, ये नहीं है निकम्बे, बढ़िया ध्यान से देखो। हाँ अब मिल गया। ये भी टॉपिक आपके एग्जाम में कल रहेगा, खूब रहता है ऐसे। यदि आपको ये पता हो कि अर्थ की तरफ नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर डेंसिटी प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो आप कर जाओगे। टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई हो जाता है, डेंसिटी हाई हो जाता है, तो सबसे नीचे कौन होगा? कोर। इसमें आपने थोड़ी डिस्कंटिन्यूटी सीरीज भी याद कर लेना है, जो जो है। हाँ जो भी कल रहेगा याद है तो अच्छी बात है। ऑटोमेटिक इनर कोर में होगा, जब मैं कह रहा हूँ नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। नहीं नहीं, जनरल रिलेशन है कि कहीं किसी जगह टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। बायल्स ला पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, केमिस्ट्री फिर आएगा। लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थेनोस्फीयर क्या होता है, सब देखना होगा। कोरोना कहाँ अर्थ में होता है? सन में कोरोना मानो। ऑप्शन के हिसाब से चेंज हो जाएगा जो होगा। जनरली कोरोना मानो, ऐसे क्वेश्चन आया था दोनों फाड़ दोगे पेपर को है? देख निकम्मा कह रहा है ऑक्सीजन होगा। यदि ये पूछा जाए यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या होगा, तो होगा हाइड्रोजन। इन अर्थ पूछा जाए ऑक्सीजन, और ऑन अर्थ पूछा जाए तो नाइट्रोजन। तीनों क्वेश्चन इस बार पूछा है CHSL में, CPO में और दिल्ली पुलिस में। लैंग्वेज बस अलग अलग था। एक ने पूछा क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, तो इनर्थ हो गए। एक आपके सामने है, टॉपिक यही रहेगा, ध्यान रखना। जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से SSC के किसी भी पेपर में उठा देना, जो फिर यही रहेगा। अब इस टॉपिक को आप कितने बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं, किए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आने वाले समय में हमें आपको चलाने में सबसे ज्यादा रोल इसी का रहेगा। फ्यूचर फ्यूल कह रहे हैं, सब कुछ यही है। हाँ बच्चे,
हाँ, BHU में कई सारे IITians कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नेट चला गया। अच्छा, आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट लार्जेस्ट फॉरेस्ट MP एरिया वाइज? बताओ परसेंटेज वाइज। कोई बात नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। तो एरिया वाइज जब पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश, और परसेंटेज वाइज जब पूछा जाएगा तो मिजोरम। लेकिन स्टेट न देखे, ओवरऑल यूटी भी पूछ ले तब जाएगा लक्षद्वीप। तो पहले हम एरिया वाइज टॉप 3 देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में ही परसेंटेज वाइज टॉप 3 देख लेंगे। हमने दोनों क्वेश्चन जानबूझ के एक साथ डाला है। चलिए, तो सबसे ज्यादा MP एरिया वाइज, दूसरे नंबर पे अरुणाचल और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, और हम वर्ल्ड में 10वें नंबर पे हैं फॉरेस्ट में। वैसे अफ्रीका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला है, कॉन्टिनेंट वाइज बात किया जाए तो। लॉ कहता है कि पृथ्वी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगभग 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन लगभग वर्ल्ड में यही है, 23-24% ही है, और बड़ी तेजी से हम काटते जा रहे हैं। ये तो प्लास्टिक की थोड़ी डिस्कवरी हो गई तो हम बच गए, ये हालांकि प्लास्टिक और खतरनाक हो गया। तो ये दोनों लिख लेना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। तुमने किरण पढ़ लिया क्या? हाँ, इसीलिए लिख दिए, क्योंकि जो कंफ्यूजन है ना, इनको यही इनको मारता है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो कौन से साथियों? मिजोरम। परसेंटेज वाइज सबसे नंबर 1 पे लक्षद्वीप, दूसरे पे मिजोरम और तीसरे पर अंडमान निकोबार। परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप का लगभग 90% हिस्सा फॉरेस्ट कवर है, मिजोरम का 86%, अंडमान निकोबार का 81%। इस बार जैसे पूछा था, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आता, जैसे मैंने जिस दिन टॉपिक पढ़ाया था फॉरेस्ट, तो उसमें मैंने 5-5 साल या 7-7 साल पे आता है रिपोर्ट, सॉरी 2-2 साल पे। हाँ, तो उस दिन मैंने पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किस में हुई है, पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो उसमें फॉरेस्ट में, तो उसमें ऑप्शन देखते हैं, लोगों ने MP कर दिया, नहीं, महाराष्ट्र। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। चलो, ये अच्छा आसान क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कोरल रीफ कहाँ पे पाए जाते हैं? हाँ, क्या जवाब दे रहे हैं? पैसिफिक। ठीक, सबसे बड़ा कौन महासागर कौन सा है? पैसिफिक। सबसे गहरा कौन सा है? पैसिफिक ही। सबसे बिजिएस्ट कौन सा है? हाँ ठीक है, अटलांटिक का शेप कैसा है? ठीक, क्यों बिजी आप समझ रहे हैं, है ना? पूरा जो अंग्रेज आए थे इसी रास्ते से हमारे पास भी आए थे, एशिया को कनेक्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये कल परसों क्वेश्चन आया था शायद तुम लोग में, नहीं आया था, दूसरा था। चले कोई बात नहीं, 8 राज्य हैं जो इनको पास कर रहे हैं, उन 8ों का नाम लिख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग लोग अलग अलग ट्रिक बनाते हैं, जैसे आप बनाते देखते हो, जैसे भी ट्रिक बनाए, यदि आपको वैसे भी रहेगा तब भी कर देंगे। मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, मीरा की JCB, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। लिख दिए, ये तो यार
इससे आसान क्वेश्चन यानी उस दिन श्रीलंका भी पढ़ा था, श्रीलंका और इंडिया पाक जल संधि। अच्छा एसएससी का आजकल पेट टॉपिक हो गया है स्ट्रेट विंड्स, तो ये करंट, ये दोनों तीनों टॉपिक आपको रटना होगा। पढ़ा तो देंगे, दिखा देंगे कि देखो ये अग्लोहास करंट है और ये है वो, लेकिन आपको फाइनली रटना भी पड़ेगा। दो ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिएगा, डी में ए और सी भी है, यदि आप अरावली कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं क्योंकि ये न्यू है, यंग है। एक फोल्डेड माउंटेन है। चलो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक क्वेश्चन आता है गंगा ऑफ साउथ इंडिया, कोई बात नहीं, बताइए। ये वैसे हम क्या लिख दे रहे हैं, ये होता नहीं है। ओल्ड गंगा क्यों कहते हैं और इसे साउथ गंगा ऑफ साउथ क्यों कहते हैं, है ना? ये तो आपने रट लिया, थोड़ा लॉजिक सीख लेते हैं। गोदावरी हिमालय नदी है? नहीं, पेंसुलर तो नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि हिमालय नहीं है। इसका दूसरा मतलब है पहले गंगा बनी होगी या गोदावरी बनी होगी? पहले गोदावरी बनी होगी, इसीलिए इसे बृद्ध गंगा कहा जा रहा है। क्या हिमालय बाद में बना है? तो ये इसका जवाब मिल गया, ओल्ड गंगा क्यों कह रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि साउथ गंगा और ये साउथ गंगा ऑफ साउथ का मतलब क्या है? दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, तो हम दक्षिण भारत बोलते हैं तो उसका मतलब जनरली महाराष्ट्र होता है, कर्नाटक केरल होता है, ये होता है ना जनरली। तो जब हम ये कहें कि दक्षिण भारत गए थे, तो दक्षिण में है कौन? कावेरी, और ये इस गंगा के दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा और इसे दक्षिण भारत की गंगा। हमेशा क्लियर रहेगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज होंगे आप। तो हमने लॉजिक बताया कि दक्षिण भारत में कौन सा सिचुएटेड है, तो वो है हमारा कावेरी, और गंगा के दक्षिण में कौन सा है, तो ये हमारा गोदावरी। ये सब मैंने प्रॉपर वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया, कहां से उत्पन्न होती है, कैसे होती है, क्या कहानी, वो सभी के लिए इन शॉर्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी कंफ्यूजन रहता है एग्जाम में। अब नहीं की से ऐसे कंफ्यूज, ऐसे कंफ्यूज है तो ऐसे ट्रिक रखना तो ऐसे रख लो, दक्षिण की दक्षिण का जैसे भी। लेकिन मैं ये इतना मान के चलता हूँ, मेरे इतना तो पता ही होगा कि नर्मदा ताप्ती गोदावरी और कावेरी कृष्णा कहाँ है, बेसिक सा है, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए यार। गोदावरी सेकेंड लार्जेस्ट है और कहाँ से उत्पन्न होती है सारा पढ़ाया हुआ उसमें। है ना? किस फॉरेस्ट पे था? अरावली पे। चले और किलोमीटर भी बताया था, फिर एक बार दोबारा याद कर लेना। माउंट आबू दिलवाड़ा है ना, जैन मंदिर यहीं पर।
बड़ी आसान है, लेकिन आसान होते भी टॉपिक वही है, ध्यान रखना। हाँ प्रीवियस ईयर बड़ी बात नहीं है, टॉपिक वो है जो एसएससी छेड़ती है। आप इस बार सीएचएस में पेपर डिस्कस कर रहे हो, आएगा आपके सामने, देखना किसी शिफ्ट में भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है तो लगभग इन्हीं टॉपिक से, पूरे मैप का सबसे बीच में कौन सा पड़ेगा, सभी लोग बताएं। यदि नागपुर बोल रहे हैं तो सही है, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र का तीसरा और पूरे भारत का 13वां बड़ा शहर। देख लो ये दोनों क्वेश्चन इस बार चार चार में आया था। अब देखो एसएससी ने कैसे कैसे पूछा, पूछा कि रिएक्टर इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, दो पेपरों का क्वेश्चन है सीएचएसएल के इस बार का। एक में पूछा कि किससे मेजर करते हैं, ऑप्शन दोनों दिया तो लिख लो, मैग्नीट्यूड, भूकंप की तीव्रता। अच्छा हिंदी ट्रांसलेशन दोनों का सेम ही कर दिया गया, वन टू टेन और ये 1 to 12 दोनों क्वेश्चन पूछ लिया, रेंज कहाँ से कहाँ तक। मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इनर्जी रिलीज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ 0 to 10, 6 से ऊपर आ जाएगा तो लगभग खतरा हो जाता है, और 7 and 8 आ जाए तो खत्म हो जाएगा सब। एंड मार्कले इसके लिए मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डैमेज विजिबल कॉज बाय द क्वेक। सबसे पहले कौन सा वेव आता है, पी एस और एल, सबसे घातक कौन सा है, एल, प्यार है ना, लव। अभी तो फिगर में ही दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर लोगे। फ्लोइंग रिफ्ट वैली, तो कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती दोनों, तो बनकर तो लिख लेना है। यहीं पे बीहड़ हुआ करते हैं और बीहड़ में डाकू नहीं रहते हैं, डाकू कहीं और रहते हैं ऐसा कहते हैं, बागी रहते हैं। हाँ जो एसएससी हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, सोच समझ के करिएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, सबका जवाब क्या है, यदि आपका महेंद्रगिरी है उड़ीसा तो सही है, लिख डालिए दोनों पॉइंट, ईस्ट और वेस्ट दोनों का, महेंद्रगिरी उड़ीसा और वेस्टर्न घाट का अनायमुदी। फिजियोग्राफी पे मुझे बनाना है इंडिया का, अच्छा बढ़िया एक पीटी, जैसे रिवर पे बनाए 3, 4, 6 क्लास, वैसे इस पे कम 5 क्लास। तुम लोगों ने नेबरिंग कंट्री भी नहीं पढ़ा ना, तुम लोगों को हम सजेशन दे रहे हैं, वैसे तो तुम लोग मानोगे नहीं, भले तुमको लगे कि टाइम खराब हो रहा है सारात को, जीएस की क्लास में जरूर बैठो, धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगे कैसे करना है क्या करना है,
और कोई करना कुछ नहीं, तुमको अपना टॉपिक बताना है कि जी मुझे इसमें दिक्कत आ रहा है, मैं वही पढ़ाऊंगा, साइंस बोलो तो भी पढ़ा दूंगा, मैंने पढ़ना पड़ेगा भी पढ़ा दूंगा, है कोई बात नहीं, वो हमारी टेंशन है। 100 दिन मांगते हैं हम आपसे, जो बच्चे ऑनलाइन है पूछो, सारे गाली देते हैं, देखो कहाँ पे है, देखो हर चीज़ का जवाब है, 9 से 9 से 10 10:30 डेली। मैथ इंग्लिश में आपको मारने खाने, बस ये नहीं कि जिससे मैथ इंग्लिश खराब करें, और मैथ का हमने बता दिया, सिर्फ पीली बुक को करो, लेकिन बार किरण देखने के बाद, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और मान लो एवरेज नंबर 90-100 के आसपास है, कोई ज़रूरत नहीं किरण लगाने, सीधे पीली बुक लगाओ, खेल जाओगे, आपका टारगेट भी खत्म होने वाला है। हाँ अब जाके जब आप दूसरी बार रिवाइज करोगे तब जाके फायदा होगा, अब नहीं हुआ हम घड़बड़ा गए कि इतना कवर लिए नहीं हुआ, पहली बार तो हमने एक तरीके से देखा, जब दूसरी तीसरी बार उसको पढ़ेंगे तब वो आपका अपना होता जाएगा। अब इससे भी आसान नहीं हो सकता, लोकटक लेक यहीं पे कुछ और भी है क्या, फ्लोटिंग, ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है, सबको पता है आएगा, जो नाम है अभी थोड़ी देर में आएगा, वो आ गया ना, चलो निकमे माजुली रिवर है, आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, रिवर नहीं है, ब्रह्मपुत्रा में ये लिखो, लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर, सेकेंड लार्जेस्ट मोरिंग मणिपुर, केबुल लेमांग नेशनल पार्क इज ओनली फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड, तैरता हुआ है ना, तुमको क्या हुआ, सहारे की जरूरत है क्या आज, वर्ड ही लिखा है ना शायद, अभी मिलेगा कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा थोड़ी देर बाद, फिगर देख लेंगे, मूव 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 कर जाता है, फोन क्या ही दिख जाएगा, अभी एक सेकंड लगेगा, हमने आपको 8 डिग्री पढ़ाया था, 9 डिग्री पढ़ाया था, 10 डिग्री भी पढ़ाया था, तो 9 और 8 है ही नहीं, 10, किस किस लिए फेमस है अंडमान देख लो, कालना पानी है ना, अंग्रेजों के टाइम पे, सेडल पीक हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान, इंदिरा पॉइंट साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, और नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल, ठीक, ये चंबल आप सबका जवाब है तो सही है, इंडस आप देखते हैं कहां जाती है, कैलाश मानसरोवर में जाती नहीं, निकलती है, निकलती है वहां से, हाँ चंबल किसकी सहायक नदी, यमुना की, यमुना की सबसे बड़ी, और उधर गंगा की सबसे बड़ी यमुना, ये सब पढ़ाया हुआ है बहुत बढ़िया से, एक एक चीज, यही भी बात का कारण रहता है हमेशा, सबका बुलर है, सबका बुलर है तो लिखिए, देखो कि कुछ फैक्ट है जो ना पता हो लिखिए, तुम दवाई लिए नहीं थे क्या, चलो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बुलर, लार्जेस्ट सलाइन चिल्का, हाईएस्ट यही नाम सुनना चाह रहे थे, लॉन्गेस्ट लेक बेमनाड, और मैनमेड गोविंद सागर, चल गोविंद सागर निकम में राजस्थान में,
बताओ साथियों, रिहंद बांध कहाँ पे है? पंजाब कर लेना। अच्छा, लिख नहीं रहे। रिहन डैम बोला है मैंने, कहाँ है? तो निकम्मे मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। रिहन डैम उत्तराखंड में चला गया। कोई बात नहीं। डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, उत्तरा उत्तर प्रदेश यूपी। तुम ठीक थे। पिपरी। अच्छा, स्टेट है पंजाब। ठीक, किनके किनके बीच है? गोविंद बल्लभ सागर, पंत सागर। ठीक, सोनभद्रा से है कोई? हाँ, लिख दियोगे अब तो? आसान है। रेगर, रेगर बांगर है तो ये किसके लिए? ब्लैक। किस राज्य में सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र और गुजरात। और उसी से हम पूछ भी लेंगे आपसे कि कॉटन की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कपास की? सुंदरी। हम आपको क्लू देते हैं, गुजरात में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। तो कौन सा? मैंग्रोव पेड़ है। तो मैंने तीनों नाम बताया तो आपको, तो मैंने गुजरात में पोर्ट नहीं है, समुद्र नहीं है। मैंने तीनों नाम क्यों बोले? उड़ीसा बोला, गुजरात भी बोला और वेस्ट बंगाल भी बोला। ये हमें आपको लगता है कि वही है क्योंकि उस विश्व का सबसे बड़ा है, तो हमने उसी को सुना, उसी को जाना। ये सुंदरी बन, सुंदरी सुंदरी। बताइए जल्दी। फर्स्ट, यदि आप सबका जवाब नीलगिरी है तो सही है, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा 1986। अब ऐसे सबसे पुराना नेशनल पार्क? जिम कार्बेट का पुराना नाम हेली। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पुराना नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपने पहला लिखना चाहिए, बाकी शाला के एसएससी तो सबका ईयर पूछ रही है। हाँ, अभी कल पढ़ा है तो था आपको, ये तो कॉमन हो गया। वही मैं महसूस कर रहा था कि मुझे फिजिकल, हो सकता है दूसरी फाइल में हो, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितने चलने दें। अभी इससे आसान नहीं हो सकता। अच्छा, आज के यदि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको एग्जैक्टली, तो आप समझिए कि आपका जीएस मतलब बहुत ही डरावना स्थिति में है। और यदि आपका मैथ इंग्लिश ठीक ठाक हो चुका है, ठीक ठाक भी, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए क्योंकि आज के सबसे आसान है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। हमें सिर्फ टॉपिक आप तक पहुँचाने थे, तो कोई ना कोई क्वेश्चन हमें ढूंढना था या बनाना था तुरंत, ताकि आपको ये पता हो कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है। झूम क्या करते हैं पता ही आपको? फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, प्राकृतिक रूप से खेती करना है। बनाए, उत्पादकता खत्म हुई, जला के चले गए दूसरी जगह, फिर वहाँ काम किए, फिर वहाँ उत्पादकता खत्म। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पक्का? ये हमने पढ़ाया था जिस दिन, पहले दिन इंडिया का नेबरिंग कंट्री पढ़ा रहे थे। वर्ल्ड में कनाडा, एशिया में इंडोनेशिया, भारत का सिर्फ 7,516 किलोमीटर।
शायद गुजरात में। हम आपको क्लू देते हैं, कल आप कैनाल टॉपिक ठीक से पढ़ के आइएगा। यूरोप को, किस देश का कंट्रोल है इस पे? इजिप्ट का। ठीक, इन्होंने यूरोप से आने का डिस्टेंस लगभग 13,000 किलोमीटर कम कर दिया, पूरा अफ्रीका घूम के जाने से बचा दिया। एक ये है, हाँ 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 मैनमेड ये टैक्स, हाँ ठीक ठाक है। ज्यादा किसका है, कितना रेशियो? मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड एग्रीकल्चर दोनों अलग अलग है, बात बढ़ाता है एग्जाम में। जानवर की फार्मिंग होती है, जब मिक्स्ड एग्रीकल्चर आएगा तो आपने फार्मिंग, प्लांटेशन और एनिमल हस्बेंड्री दोनों लेके चलना है। पशुपालन कृषि का पार्ट है, और जब फार्मिंग आए तब एक साथ एक खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन। उसी तरीके से हम कह रहे हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या होता है, तो नहीं आप गांव में देखते होंगे कि साल ये उत्पादित कर दिया तो अगले साल ये कर दें ताकि ये कर दें ताकि प्रोडक्टिव बनी रहे। ऐसे भी हरियाणा में हुआ था कि चावल नहीं उत्पादित करेंगे, तो हरियाणा के सीएम ने लड़ाई लड़का, नहीं ऐसा नहीं है, हम चावल उत्पादित करेंगे। हम मतलब जो भी मतलब एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी बचा के रखने के लिए, पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए। हम मतलब इसका रियल ग्राउंड पे आप लोग जानते होंगे, हम लोगों ने बुक वाले, मुझे लाइफ में मौका नहीं मिला ये सब करने का। मुझे तो आप ये पूछ लें कि अभी खेतों में चावल लगा गया हूँ तो मैं नहीं बता सकता, बुक वाला बता दूंगा। सारा ही प्रीवियस ईयर है। डोल्ड्रम क्या होता है? यदि आपका जवाब ए है तो आपका सही है। 0 के 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो सबसे लो प्रेशर होगा, तो इसलिए सारे विंड यहाँ पे आके मिलती हैं, सबसे ज़्यादा बारिश होता है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाएगा, सब कुछ यहीं पे होगा, सबसे ज़्यादा मच्छर पैदा होंगे, सबसे ज़्यादा बीमारी होगी यहाँ, सैलिनिटी कम होगी। हैं हाँ, यदि मैं इसको चाहता तो दूसरा भी ऑप्शन रख सकता था, इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट, सॉरी हाई प्रेशर कह रहा हूँ, हाई टेम्परेचर बेल्ट कह देता, टेम्परेचर और प्रेशर का अपोजिट रिलेशन लेके चलता। रिवोल्यूशन, परिक्रमण, परिभ्रमण। तो रिवोल्यूशन क्या होता है? नहीं आप कहते हैं मंदिर के चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं,
जब किसी एक चीज की चारों तरफ घूमे तो उसके वजह से होगा सीजन। ये बड़ी घटना है तो बड़ी घटना है तो बड़ी चीज होगी, और जो डेली डेली हो रहा है वो रोटेशन। हाँ तो अब ऑप्शन उठ के देखो, बताओ कौन सा होगा। यदि आपका जवाब 30 से 35 है तो ठीक है। हाँ ग्रस्ता 40 और फिर कुछ 50 ऐसे बोलते। हाँ 60 50। हाँ प्रेशर उल्टा चलता था तो स्पीड कम हो जाती थी, तो उन्होंने घोड़ों को फेंक दिया तो थोड़ा वजन कम हो गया, तब नाव ठीक चलने लगा। दैट इज हॉर्स लेटिट्यूड। उकाई डैम ताप्ती। ठीक है भाई, ये भी एक ट्रिक बता रहा है कि उकाई और ताप्ती कुछ ऐसा मिलता जुलता बोल रहा है, जैसे भी याद रखें, याद होना चाहिए काई ताई जो भी। यही क्वेश्चन सेम आया है इस बार, सेम उसमें लखनऊ था ऑप्शन में। और जब इन्होंने अभी पूछा सीएचएसएल में तो यहाँ पे लखनऊ दे दिया था, तब गोमती हो जाता। सेम ऐसा क्वेश्चन। जो लोग कह रहे थे कि रॉक तैयार नहीं हो रहा है, देख लो उनके लिए क्वेश्चन है। मैंने ऐसा टॉपिक है जहां से आना ही है। हाँ हालांकि वो लोग बहुत नाराज हैं वो लाइबल। स्टैटिक की बुक कब तक मिलेगी? फरवरी में पक्का मिल जाएगा, चाहे और कुछ हो ना हो बुक आ जाएगा। सबसे पहले इग्नियस होता है, इग्नियस में कुछ प्रेशर और इस तरीके की चीजें घटना होती तो क्या बनता है? सेडिमेंट्री। और जब लॉन्ग टर्म में प्रेशर और इस तरीके घटना होगी तो मेटामॉर्फिक, और फिर वही टूट करके फिर इसमें, और ये साइकिल चलता रहता है। कौन सा? ये हिमालय से ज्यादा गहरा है, 11,000 कुछ है और 8,000 कुछ है। डोल्ड्रम के टाइम मैंने थोड़ा सा बोला था इसके बारे में। एवरग्रीन मान लो, कुछ नहीं लिखा था एवरग्रीन मान के चलो। अरे मेरे भाई एवरग्रीन छोड़ दे, ये पढ़ना जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होगा या सबसे ज्यादा टेम्परेचर की घटना घटित होगी। बोला तो था कि डोल्ड्रम है तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा, सबसे ज्यादा मच्छर पैदा होंगे, सबसे ज्यादा बीमारी होगी, सबसे ज्यादा मरेंगे। मुझे और तुमको बिल्कुल काला होना था क्योंकि हमारा जो परिस्थिति है यही है। हम लोग आए कहाँ से? कहीं और से, साउथ इंडिया के लोग, ओरिजिनल इंडियन है द्रविड़ियंस। हाँ?
हम ही हैं, हम तो उनको पीछे भेज दिए, अब तो हम हैं। इस क्वेश्चन से कल तीन चार, इस टॉपिक से कल तीन चार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एटमोसफियर से इसको डिटेल लूसेंट में पढ़ो तब भी हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। तो सारी मौसम संबंधी घटनाएं प्रोपोस्फियर निचले वाले में। एक तो यही क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे बीच में कौन सा होता है, क्रम लगाने का, टेम्परेचर का। ऐसे देखो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, डेट लाइन पूछा गया, ये किस देश से है? ग्रेटेन का ब्रिनविच है ना, और ये कौन सा ओशियन? पैसिफिक। ठीक, जब तक ये ना लिखे मेन लैंड तब तक आपने हमेशा साउथर्न का मतलब साउथर्न नहीं मानना है। ऊपर इंदिरा कॉल, इधर इंदिरा पॉइंट। अरे इन्होंने जानबूझ के नाम बदल दिया, कोलॉजी थोड़ी ना था इंदिरा का, लेकिन चलो ठीक है, देश है। अब बता रहे हैं कि सुशांत सिंह के नाम पे दिल्ली के सड़क का नाम रखा जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा एक्टर हमने खोया है, तो हमें इतना तो सम्मान दे सकते हैं। इरफान खान के नाम पे भी रोड रख देंगे, वो धर्म भी तो क्यों कमेंट करवा रहे हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स, जैसे अभी बंगाल में चुनाव है, तो आज सभी लोग पहुंचे हैं बंगाल में, सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान दिया गया है, ट्रेन का नाम बदल दिया गया है, और इस डे को भी कुछ घोषित कर दिया गया है, आज के डे को 23 तारीख है, पता नहीं क्या, सद्भावना दिवस समथिंग। हाँ है, जाना पड़ेगा। हाँ अरे अरे कांडला ने कहा, मैं अपने भी गलत कर रहा, मेरा भी गलत करवा रहा। सिर्फ देखो 12 पोर्ट है, पहले 13 थे, ये जो अंडमान निकोबार का एक पोर्ट था, भूल रहा हूँ नाम, उसको मेन से हटा दिया गया। अंडमान वाले क्या नाम था? सी पोर्ट, चलो तुम भी भूल गए, कोई बात। तो उसमें से एकमात्र जो है प्राइवेट है वो है एन्नोर, बाकी सारा गवर्नमेंट के पास है, एन्नोर वाला प्राइवेट है, तो ये लिखना चाहिए आपको। सिर्फ अच्छा क्वेश्चन भी तो ये प्राइवेट वाले ही पूछ रहे, एन्नोर तमिलनाडु। अच्छा इसमें ये भी आप नहीं कह सकते सरकार गलत कर रही है, सरकार वही करती है जो जनता चाहती है, ध्यान रखना, तो जनता फिर आपको मौका नहीं देगी, तो सरकारें वही करती हैं। है? समस्या समाप्त कर देंगे तो समस्या के डिमांड कौन करेगा भाई? वही झंडा लेके पीछे कौन दौड़ेगा? होने क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल, 5 साल रुक जाओ, हो सकता है अभी एक नया गाइडलाइन आए, सारे ऑफिसर्स को गाइडलाइन दिए गए कि किसी प्रकार के गवर्नमेंट के अगेंस्ट किए गए पोस्ट पे आपको नजर रखनी है सोशल मीडिया पे। वही हाँ, लीगली लॉ है, लेकिन अब तो हार्ड कर दिया गया। आपके हरियाणा में डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कुछ कर दिया था, हाँ, तो अभी तो कोर्ट ने फिर दोबारा मिल गया, मतलब दया के रजिस्ट्री पर, ठीक है, लेकिन ये मैसेज तो है कि औकात में रहो। ये बाय मिस्टेक तो नहीं, लेकिन मैंग्रोव सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये हमारे 50 थे, एक और 50 उठाते हैं। टेस्टी चला दे,
एक मिनट, ये था क्या? तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तराखंड में किसी कंपनी को गवर्नमेंट ने टेंडर दे दिया कि ठीक है जी, इस एरिया को ले लो और यहाँ पर अपना प्रोडक्शन का एक्टिविटी करो। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ों से चिपक गई कि नहीं, आप पेड़ों को नहीं काटेंगे, पहले हमें काटिए। तो बहुत पॉपुलर हुआ, साउथ इंडिया में भी चला एपिको आंदोलन के नाम से। हाँ, तो दो तरह के इस क्वेश्चन पूछता है कि चिपको आंदोलन है क्या। अब जैसे किसी ने कहा डिफोरेस्टेशन, तो डिफोरेस्टेशन तो उल्टा हो जाएगा, पेड़ काटने के लिए बढ़ावा देना, तो ये अच्छा है। इसमें सारी बातें हैं, एक बार देख लो, इसमें कुछ काम चाहिए तो नर्मदा बचाओ के लिए कौन फेमस है, एपिको आंदोलन साउथ में चला, ये लिख लेना, चिपको मूवमेंट किसने, तीनों पॉइंट लिख लो। बिश्नोई मूवमेंट है ना, डेजर्ट राजस्थान में, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में, और इसमें दूसरी महिला का नाम चांदी प्रसाद भट्ट, और एपिको आंदोलन कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े, और नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर। डेमोक्रेसी में सरकारों को लिबरल होना चाहिए, लेकिन देश के विकास के लिए लिबरल नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग बातें। घर में पापा जी के हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन उससे परिवार नहीं चलता है, ऐसा सरकारें कह करके बहुत सारी पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेती हैं। क्योंकि देखिए, किसान आंदोलन में इस तरह की हिंसा की बात चल रही है, चाहे वो किसान करे या सरकार करो, कोई भी करो, रहे गलत है। मेन मुद्दा भटक है, फिर कल पर किसी को पकड़ाया, वो कह रहा है कि मुझे पुलिस ने भेजा था कि मुझे किसानों को मारना है, और आज उल्टा हो गया, आज कह रहा है कि नहीं, उन्होंने जबरदस्ती करवाया था। तो ये सब ड्रामे क्यों चल रहे हैं? ऐसे ही होता ही है, मूवीज में भी देखते हैं आप। थर्टी टू सिक्सटी के बीच के हवा बेल्ट को क्या कहते हैं? तो अब हमें यहां सीख लेना है कि ट्रेड विंड कौन सा है, कितने डिग्री से कितने डिग्री, इस्टरलीज कौन सा है, वेस्टरलीज कौन सा है। तो ये हमने कहा था डोल्ड्रम लो प्रेशर एरिया, जो वेस्ट से जाएगा वो क्या कहलाएगा? वेस्टरलीज कहलाएगा। नॉर्दर्न ट्रेड विंड, ये कितने पे है? 30 पर है। फिर ये पोलर, तो हमसे एक तो कोरियोलिस फोर्स पूछता है, तो कोरियोलिस फोर्स होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, झटका लगता है तो उसकी वजह से हमारे अपने मार्ग को बदल देती हैं। ये ऐसे चलना चाहिए था, ऐसे चल रही है। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कोरियोलिस फोर्स से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन कैसा होता है क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज। पोलर ट्रेड विंड कहां से कहां तक चलती हैं, और वेस्टर्लीज कहां से कहां तक चलती है? पोलर तो आप बता दोगे, इसमें तो दिक्कत ही नहीं। जैसे हमने कहा कि
30 तक चलेंगी ट्रेड विंड, 30 से 60 तक चलेंगी वेस्टर्लीज और उसके बाद चलेंगी पोलर। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और बीच में बस एक याद रखना है डोलड्रम। कल है क्वेश्चन इस टॉपिक पे, ध्यान रखना थ्योरी वाइज स्टेटमेंट वाइज। यदि एपीहेलियन और पेरिहेलियन आप समझते हैं तो कर जाएगा। क्या होता है एपीहेलियन? चलो एक मिनट, हम पहले आपको ये कॉन्सेप्ट चेक करते क्योंकि आंसर लगभग सही आ रहा है और जब वो बोल रहे हैं तो वो बोल उल्टा रहे हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं। सन और अर्थ नियरेस्ट कब होते हैं, फारेस्ट कब होते हैं, बस ये डेट बताओ। ना नियरेस्ट, क्या सबका ही जवाब है? चलो फिर तो चलो समझ आया फिर आपको, तो ऐसे पूछ लेता हूं। तो गर्मी क्यों होती है इस समय 4 जुलाई को? तो वही तो देखो आप तो उल्टा बोल रहे। अच्छा ओके ओके, तो पॉइंट है कि इतनी दूरी का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सिर्फ लगभग 14 पॉइंट कुछ और 15 पॉइंट कुछ। तो रोटेशन रिवोल्यूशन से होता है, बस हम आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहे थे, तो ये मत कहना कि सामने था पीछे था, वो अलग चीज है। एपीहेलियन, पेरिहेलियन, 3 जनवरी। अब हिंदी वाले कंफ्यूज रहेंगे तो उनके लिए इजी कर देते हैं। उप और अप, दूरी अधिकतम है और यहां दूरी कम है, तो ये दोनों तरीके। इस बार तो टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया कि पेरिहेलियन और एपीहेलियन के बीच में डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का, तो लगभग 0.5 मिलियन का है डिफरेंस। ये इस बार का सीपीयू का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये लगभग मोटा मोटी आपको याद रखना है। ठीक, ऊपर रूम में कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है और गिलास भी रखे हैं, 3 कोल्ड ड्रिंक के बोतल और 20 गिलास मेरे रूम में। हाँ तो कोई बात नहीं, आप सर्व करिएगा, दिक्कत क्या है? ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब कोई पिएगा, कुछ लोग काम भी करेंगे। जाओ जाओ लेते आओ। और वो वाला गिलास है जो यूज डिस्पोजेबल वाला, बोले हाँ आप क्या पूछ रहे थे, कैसे याद रखेंगे? उप्स और अप्स, पहले ए आता है पहले पी आता है। अपने अपने हिसाब से जैसे कर सकते हैं, एक उल्टा भी हो सकता है कि उल्टा होता है ठंडी गर्मी के हिसाब से, जैसे भी आप कर सकें। ये पेट क्वेश्चन है एसएससी का। चल पेरिहेलियन एपीहेलियन कर दिए। अच्छा हाँ ये भी क्वेश्चन आ गया, एपोजी और पेरिजी, ये भी घूमने वाला नहीं, मून के साथ है, निकम्मे घूमने वाला नहीं है। हाँ ये दोनों चारों लिख लेना, एपोजी और पेरिजी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ हिंदी में भी यही बोलते हैं, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है तो उनको एज इट इज बोलते हैं। सर सर्दी में चाय पीनी भी पड़ती है, अरे बनाने वाला कोई नहीं है ना। गुप्ता जी पीना है तो दूध रखा है, जाइए बना के ले ले। मतलब और भी जो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं तो दूध चाय बना के अपना पी लेंगे। एपीजी, एपोजी, पेरिजी, पेरिहेलियन, एपीहेलियन, ये देख लो यहां पर पेरिजी और एपीजी का कॉन्सेप्ट।
मैक्सिमम जब होगा, तो एपीजी। वैसे भी पी पी पास पास वाला ही शो कर रहा है दोनों जगह, बस एक याद कर लो कि पी फॉर पास। हाँ वो तो याद ही रहेगा। अब ये वाला मान लो कोई एक याद कर लो, पास पास वाला, तो दोनों में पी आ जाएगा ऐसे भी। हाँ कर माइनस इसको, इधर तो मैथ आता है। चले आगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, सोचो ये भी भूल नहीं आ रहा है तो बहुत गंभीर स्थिति में है। ज्योग्राफी बना लो एक बार, किसका नाम क्या है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक, मालाबार कहाँ से कहाँ तक, कोरोमंडल और नॉर्दर्न। हाँ तो देख कहाँ से कहाँ तक, दिख नहीं रहा है ये कौन सा है, दमन दादर दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, तो गोवा कर दिया, यहां से कर ले। इस टॉपिक को मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, 4-5 फिजिकल डिवीजन का, जैसे रिवर का बनाया था 10-15 दिन लगा के। आता है क्या तो लिख लो, लाइफ में जब किसी काम में टाइम दें तो 100% दें। ये माइंड में नहीं चाहिए कि उसको बाद में करेंगे बाद में करेंगे। मैं इसलिए बाद में कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बड़े बड़े हैं तो मैं बाद में डिटेल पढ़ा पाऊंगा, अभी बता रहा तो एक ही क्वेश्चन पे आधा घंटा लग जाएगा। अब दिक्कत आपके हमारे लाइफ में क्या है कि जब हम किसी के साथ घूमना होता है तो सोच रहे होते पढ़ाई के बारे में, और जब पढ़ाई करो तो किसी की याद आ रही होती है कि कैसे घूमेंगे। ठीक हाँ कितनी बड़ी बात कह दी। ये दुख है। जैसे कई बार नहीं आपको किसी सफल व्यक्ति से मिलते हैं तो बोलता है कि आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी सफलता का राज, सबकी सफलता के अलावा एक ही राज है, जो किया मन से किया है, चाहे किसी फील्ड में हो। नहीं सुनते कि आपके एरिया के किसी बदमाश से कुछ लोग को डर लगता है, वो इसीलिए मारता तो सही मारता, बोलता है तो मार ही देता चाहे कुछ भी। तो वैसे स्टूडेंट होना चाहिए कि ये तो करूंगा ही। हमने तो आपको इतना लिबरल कर रखा है कि किसी दिन आपको पूरी रात मन करा पढ़ने के लिए पूरी रात पढ़े, कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन वीक में तो एक दिन ऐसा होना चाहिए पागलपन। वो कह रहे कि ब्लैक वाले पियेंगे बनाइए मत, नहीं दूध है हमारे पास, ले जाओ बना दो। चलो लिख दिए, चलो ये हमने पढ़ाया था आपको, नेबरिंग कंट्री सबका असम है। हमने आपको ट्री सिखाया था, आना मम्मी म्यांमार है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो देखो उन चारों के अलावा पांचवा कौन सा ऑप्शन है इसमें, असम। जिन लोगों ने नेबरिंग कंट्री हमसे पढ़ा था उस दिन सिखाए थे, इन्होंने कुछ और बनाया है, अरुणा मामी। तो जैसे भी वो, मुझे लगता है वो वाला आसान है, आना मम्मी मेमर, वो भूलेंगे नहीं, या भूल जाएंगे करुणा मामी थी, अरुणा मामी थी, कौन सी। अभी आया था लिथो स्पीयर क्या होता है, आप सोच के देखो, यदि अपर क्रस्ट ले लो तो बचेगा क्या कुछ, तो अपर क्रस्ट तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, तो ऊपर चला गया,
तो ये ऑप्शन मैं ही नहीं भी पता हो तब भी तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना है। देखो ये है लिथोस्फीयर, कल भी रहेगा आप क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। इसके ऊपर स्थेनोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर और फिर कोर, बेरिस्फीयर भी हो जाएगा। हमने डिसकंटिन्यूटी डिस्कस किया ही नहीं, हमने तो स्फीयर डिस्कस किया, कल पेपर में आएगा डिसकंटिन्यूटी। हाँ हाँ सी आ गया सर, गिलास आ गया आपका, दो ही बोतल है क्या? अभी बताया था प्रशांत महासागर, क्रम चाहे तो लिख लें, उसके बाद अटलांटिक, इंडियन ओशियन, आर्कटिक। कल मत कहना कि नहीं बताया था ये क्वेश्चन, ये मुझे नहीं पता। अच्छा पेपर गायब नहीं होना चाहिए भाई, कल अवार्ड है, और 200 का शर्त नहीं है, टॉपर का शर्त है। हाँ अच्छा ये यार, ये एक जेन्युइन कंप्लेन है कि नंबर कम आ रहा है, तो या तो आपकी मशीन खराब है या आप लोगों ने कुछ ऐसा सेट करके कि 10 नंबर कम करके रखे। नहीं वो बच्चे को मतलब प्रेशर बनाए रखने के लिए। हाँ आज तो कम से कम इनको 200 में 200 आना चाहिए था, 500 में से 400 क्वेश्चन आए वो है नए थे क्या वो? अच्छा ये टाइपिस्ट ने भाई बदमाशी की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ जल्दी इसका आंसर। कोई नहीं बता पा रहा है, ये पूरे हैं सलाल, ये सब बेसिकली मैप पे तो नहीं होगा, इसका हमने टेबल बना रखा है, रिवर और प्रोजेक्ट, जीके में आ जाएगा तो रट डालना। पॉपुलेशन में हम 17.4 हैं, एरिया में 2.42% है, तो 2.42 तो है नहीं, तो 2.4 हैं, और हम 7वें नंबर पर हैं एरिया में, और पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पे, सब ठीक रहा तो 2028 तक पहले नंबर पे आ जाएंगे। अभी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है, तो उसके लिए कैसे रोकना है, रोजगार नहीं देना है, ना रोजगार देंगे ना शादी होगी, जैसे अभी हम लोग के टाइम पे शादी हुई 2-3 बच्चे वैसे पापा पापा कह रहे होते, तो वो दिक्कत है, चहल पहल रहती है, क्या पता मुझे बगल में प्ले स्कूल भी खोलना पड़ता। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन द फ्रॉम ग्लेशियर आइस? सिर्फ फ्रेश वाटर का पूछा है, अब थोड़ा देखना ध्यान से, कंफ्यूज करोगे। 97% तो यूजलेस है, उसमें से 2.5 में से उसको 100 मान लिया, तो उसमें से ग्लेशियर के पास कितना है?
70%, फिर उसमें से ग्राउंड वाटर ये है, फिर उस ग्राउंड वाटर में कितना कहाँ है, अब ये 100 हो गया। समझ पा रहे जो कह रहे हैं? तो यदि हम पूछे वैसे पृथ्वी पे पीने लायक जल कितना है, तो सिर्फ 2.5। उस 2.5 में से कौन कहाँ है, फिर उसमें से ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा किसके पास है, फिर इसमें से कौन सा कहाँ है, एक फिगर में ही सब कुछ है। अब इसे आपको काम काम का पॉइंट जो मन करे तो निकाल लेना चाहिए। एक काम का पॉइंट आपके सामने क्वेश्चन था, एक पूछ सकते हैं कि लेक में कितना है, या लेक में ना पूछ के सबसे ज्यादा किस में है, आइसबर्ग में। हम और आप निकम्मे मारो चला गए। हाँ कोल्ड ड्रिंक पे ध्यान है। हाँ मैं 15 वाले फंक्शन में सिर्फ इसी बात से खुश था कि मेरे सारे बच्चों ने मन भर के खाना खाया था, बहुत मतलब मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया। वही तो जैसे हम लोग का बजट था कि 1-1.5 लाख में निपटा देंगे, 3.5 पहुंच गया, कभी 1% भी अफसोस नहीं हुआ, ज्यादा पहुंच गया। हाँ फिर खाया 1.5-2 घंटे तक लगातार खाया। हाँ 15 दिन में, 1 महीने में एक बार होना चाहिए, 1 महीने में लास्ट के एक बार होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या है कि फिर कुछ लोग नशा करने लगे, तो इसलिए मैं उसको रोक रहा हूँ, फ्री हो जाएंगे। हाँ नहीं मान लो आप खुश हैं और हम आपको तोड़ दें, वही तो वो हमने ये मान लिया कि वो बाहर के लोग थे, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम करेंगे तो आपके लिए दिक्कत करेंगे, हम भगाना पड़ेगा, तो फिर ऐसा मौका नहीं करेंगे। ये मेरे माइंड में आया कि 50,000-1 लाख रुपये खर्च करके एक महीने के एक दिन बढ़िया से खाने दें तो फिर ठीक हो जाएगा। डीजे तो कर लेंगे, डीजे तो कर लिया करो 31 को और महीने के लास्ट में जो लोग ना जाएगा। हाँ लिख दिए अरेबियन सी। कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु अभी बना था सबका कोरोमंडल। चले देख लो किस तरह से इस क्वेश्चन चेंज हो सकता है। वही फिगर है, कोंकण कोरोमंडल मालाबार। चलो खाड़ी क्या होते हैं, जब किसी सी को या किसी जल को तीन तरफ से लैंड घेरता है इसको कहते हैं गल्फ, और इसका जस्ट उल्टा होता है पेनिनसुला, लैंड जब तीन तरफ से घिरा हो। बे छोटा रूप हो जाएगा इसी का, खाड़ी का, गल्फ का। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, ये अरब पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ मेक्सिको। अरब पेनिनसुला हाँ है, एरिया में है, तुमको ये लग रहा होगा ना कौन। अरे मेरे भाई ये महाद्वीप है, इसको केप बोल सकते हैं। हाँ छोटे आकार की बात चल रही है। इंदिरा सागर डैम सबका नर्मदा है। चलिए यानी ये याद करना पड़ेगा, ये अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आना चाहिए ढेर सारा। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं भारत में, किसी को नहीं पता है निगम में। नया कैसे आ जाएगा, तेरे एग्जाम तक आ जाएगा नया। ये अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हाँ? क्या 91 के जनसंख्या में था, एक के जनसंख्या में, अब बिहार हो गया है, 20 साल हो गए चेंज हुए, बिहार से ना फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ओवरऑल है दिल्ली पॉपुलेशन डेंसिटी में 11,000 कुछ, और स्टेट में है बिहार, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे, लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश 47, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप, स्टेट में सबसे ज्यादा यूपी, सोचने की जरूरत नहीं है, सिक्किम, सेक्स रेशियो पता ही है, लिटरेसी रेट पता ही है, सही तरीके से मैच कौन सा है? देखो ये ऐसे ही यदि ग्रुप में टेस्ट होगा तो पता ही नहीं चलेगा किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। नहीं, डिस्कशन से तो होता ही है और याद रहेगा हमेशा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये कौन सा स्टेट या यूटी एक जगह पे नहीं है? पुडुचेरी, तीन जगह है मतलब, हाँ प्रशासन था उनके पास, गए हो तो हमें दे गए, तो एक तरीका था कि हम आसपास में मिला देते, नहीं प्रशासन का तरीका इनका ऐसा था कि मिलाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने एक यूटी बना दिया। फ्यूचर में यही होगा जो आप सोच रहे हो कि दे देंगे इनको, इनको दे देंगे। पुडुचेरी का जो कोर्ट है वो एक मिनट, लक्षद्वीप का केरल और आंध्र प्रदेश, हाँ तमिलनाडु वाले में, एक होता है लोकल बेंच और एक होता है मेन बेंच। जैसे अब ये यहां थोड़ी नहीं जाएगा, तो पहले जैसे आपने सुना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच भी है, तो पहले बेंच पे जाएंगे, वहां से जब बात नहीं बनेगी तो कोर्ट में जाएंगे। लाइफलाइन ऑफ म्यांमार आया हुआ क्वेश्चन है, म्यांमार का जीवन रेखा। बताइए, ये तो अपने आप में फालतू क्वेश्चन है, लेना आया हुआ तो कुछ कर नहीं सकते। इसका आंसर है 39। अब थोड़ा सा यहाँ काम का कुछ है वो देख लो। NH-31 इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। NH-15 इज वनली हाईवे टू पासिंग थ्रू द थार डेजर्ट। NH-47 ए इज द स्मॉलेस्ट, अभी हमने सीखा था। NH-51 पासिस थ्रू जवाहर टनल। NH-2 कनेक्ट टू दिल्ली टू कोलकाता, जो हम अभी पूछ रहे थे कि शेषाराम ने क्या बनाया था, शेरशाह सूरी ने, तो यही। तो क्या लग रहा है 26 तारीख को ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे दिल्ली? ठीक, नहीं पहुंचेंगे, गवर्नमेंट से ज्यादा बदमाश कोई थोड़ी ना होता है, हमें बचाना है अपने आप को, लड़ना नहीं है, दिक्कत ये हमारा मेन मकसद लड़ना था ही नहीं, हमारा मेन मकसद हमारी बातों को सुनाना था, आपको सुनना चाहिए, आप नहीं सुने इसलिए मजबूरी में हमें इस तरीके तरीके अपनाने पड़े। वायलेंस नहीं कर रहे लेकिन लंबा खींच दिए ना, 60-70 दिन से मैं ठंडी में रोड पर पड़ रहा हुआ हूँ, मैं डेली मर रहा हूँ, तो बात तो करना पड़ेगा। 11 दौर की बात तो हुई, इतना बड़ा तो मुद्दा था ही नहीं। कल एक बीबीसी ने वो कार्टून शेयर किया था, दोनों लोग गाड़ी से आमने सामने लड़ रहे हैं, वो करे तू बैक ले, तू बैक ले, साइड नहीं हट रहे जबकि जगह था,
वही है. विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर कंटेन द ओजोन? इतना पता तो होगा, सबसे नीचे कौन सा, ऊपर कौन सा, बीच में कौन, सबसे फर्स्ट पीएसयू ऑफ इंडिया. जिनको नहीं पता और लिख लो, फर्स्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फर्स्ट पीएसयू दामोदर वैली प्रोजेक्ट. ये वैसे भी आता है सरकार के पहला उपक्रम, सरकार के द्वारा शुरू किया कोई पहला प्रोजेक्ट, दैट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट. देश के जो पहले इंजीनियर थे, जिनके डे पे हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, एम विश्वेश्वरैया, उन्होंने बनाया था, सिविल इंजीनियर थे. यदि आप इंजीनियर हैं और आपको दुख है तो उन्होंने शुरू किया था. झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच सबका आत्मबल बहुत बढ़िया चल रहा है ना लाइफ में, कि कर दूंगा बस. इसको लास्ट तक मेंटेन करके रखना है. चलो मिलाते हैं एक एक करके, एक एक करके. एक से हो जा रहा है. ऐसा नहीं आएगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक तरीका और सीख लो. मैं सोचा था वही तरीके से हो जाएगा. यदि कॉमन निकल जाए तो वही आंसर होगा, क्वेश्चन कुछ भी हो. कॉमन निकलने का मतलब क्या है? इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तीन. इसमें तीन ही आ गया तो मतलब यहाँ वो काम नहीं कर रहा. मान लो यहाँ चार आ जाता, यहाँ एक आ जाता, यहाँ दो आ जाता, तो तीन चार एक दो, आंसर वही होगा. तो यदि नहीं पता हो, कॉमन निकल जाना चाहिए चारों में. मान लो यहाँ से कॉमन निकलता तीन, यहाँ से कॉमन निकलता एक, यहाँ से, और एक ऑप्शन पक्का मिलेगा यदि कॉमन निकलेगा तो. 99.9% आंसर वही होगा, क्वेश्चन कुछ भी हो. तो मेरा तो इतना आदत खराब हो गया, पहले मैं कॉमन निकालता हूँ. 99.9 मतलब नहीं होता हो तब, यानी कि फिर भी निकल देख रहे गलत है फिर भी निकल रहा है तो नहीं नहीं वो तरीका लगाते नहीं, ऐसा नहीं. आईएएस वाले में ये हो जाता था 2002 या 3 तक, फिर किसी ने एक कंप्लेन कर दिया. ओके, वो 20-20 क्वेश्चन देते थे तो अब नहीं निकलता. अब क्या करते हो, दो दो का सेट बना देते हैं. तो उसमें क्या होता है कि कोई भी दो याद है तो कर जाते हैं. उसमें क्या था, चारों याद होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा हो गया. जैसे इसमें क्या है कि एक ही होने से हो गया, लेकिन कॉमन नहीं निकला. वैसे दो होगा तब भी हो जाएगा, लेकिन उस वाले में क्या था, चारों ही याद होगा तब होगा. फेस, देखो किसका कौन सा है. सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा जाए या इंद्रधनुष पूछा जाए, सबको एक साथ लेकर के चला गया. सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एपीजे अब्दुल कलाम का कॉन्सेप्ट था कि हम करते हैं सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जो चीजें पिछली बार इग्नोर रह गई स्पेशली दाल प्रोटीन्स वाली चीजें उनको शामिल करेंगे, और जो पीछे अच्छी गई हैं उनको भी करेंगे, यानी मिक्स्ड की बात थी. फिर आया येलो रिवॉल्यूशन आयल सीड्स, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम, ब्लू फिश, ब्राउन लेदर हो सकता है, कोकोवा हो सकता है, या एक और होता है फर्टिलाइजर हो सकता है. फर्टिलाइजर दिया है, दे दिया तो फिर छोड़ दो, फिर उसी पर रोक दो. और गोल्डन फाइबर जूट, और फ्रूट्स वाला गोल्डन रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर ग्रे आ गया, पिंक
ये सारा का सारा ध्यान रखना, ग्रेट बैरियर अलग है और ग्रेट बियर अलग है। हाँ मतलब ये ग्रेट बैरियर लिखा है, अभी अब मैं भी नहीं बताऊंगा, ये बताओ। हाँ जगह का नाम है हरियाणा में ग्रेट बियर, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया में है, पेसिफिक क्वेश्चन में। चले तो आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक पी के भागना नहीं है, बैठ के आज स्टैटिक वाला काम करेंगे। और आपके दो चार जो दोस्त हों जिनको लगता हो कि हाँ हमें 2-3 घंटे देने हैं ताकि हमारी बुक जल्दी आ जाए, तो हमें देना चाहिए, और उसमें पढ़ाई का ही काम करवा रहे हैं। खासकर हमें उन बच्चों की जरूरत है जो हिंदी मीडियम में है स्पेशली, जैसे अभी बैठ के वो बकवास कर रहा होगा, लेकिन उसको बुला लो, आओ 1 घंटे काम करो यार, टाइम खराब करते हैं। मतलब हम पढ़ने आए हैं, प्रूफ रीडिंग करने आए हैं। और इसका नुकसान क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये बुक मुझे फरवरी 1 वीक तक लानी थी, मतलब वही मतलब मेरे अंदर से था कि फरवरी तक ला ही दूंगा मैं 1 वीक तक, और अभी लगभग मुझे 15 दिन और लगे थे, प्रूफ रीड कर लेंगे तब, क्योंकि कुछ टॉपिक और करना है। तो मेरा लेकिन कोशिश है कि फरवरी में आ जाए, तब हम CHSL तक तैयार हो पाएंगे, CHSL तक तैयार होंगे तभी CGL में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। CHSL हमारा रिहर्सल है, ध्यान रखना। तो हमने अपने टारगेट को भी ऐसा रखना है कि CHSL तक ही कवर करना है सब कुछ, क्योंकि जैसे अभी एक बार जो पुराना 21 वाला बैच है, अब जब दोबारा रिवाइज करेगा तब जाकर आउटपुट निकलने लगेगा। कवर क्या होता है, हम बस काट रहे होते हैं, फिर जब दूसरी बार देखते कह रहे ये गलत काट दिया था और ये सही काटना है, ठीक है। तो अपने जो दो चार अच्छे दोस्त हों चाहे जिनको आप लगता है यस कर सकते हैं, हाँ हिंदी मीडियम में उसको कोई ऐसा नहीं, हम 10 लोग भी बैठेंगे ना 2 घंटे लगातार, है ही कितना, 300 पेज है, 3 से 4 मिनट में 1 पेज निकल जाता है। इंग्लिश वाला लगभग ठीक कर चुके हैं, अब हिंदी का ट्रांसलेशन क्रम देखना है ठीक है नहीं, वैसे करेंगे इंग्लिश में भी, इंग्लिश में क्या देखेंगे कि आंसर तो सही है, 2019 के डाटा वाला क्वेश्चन तो नहीं, अब नया वाला आ गया हो, क्योंकि स्टैटिक चेंज होता रहता है, तो भी चीज़ देखना है। तो बांट लेंगे अभी ग्रुप वाइज, तो तक हम 5 मिनट का एक ब्रेक कर लेते हैं आपके लिए, तब तक ऊपर से घूम टहल के आइए, फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। आइए ऑनलाइन वालों, कब तक पॉसिबल है बुक? बुक आ जाएगी फरवरी तक पक्का, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, अब फरवरी। ऑनलाइन वालों तुम लोग तो बस पढ़ो, हम लोग कर लेंगे, हमारे पास हैं सैनिक, चलो घूम के आ जाओ। हाँ हाँ लेकिन ये वापस देना है, पिछली बार भी गायब हो गया है। घूम के आ जाओ 2 मिनट, मैं अभी ऑनलाइन में हूँ। साथियों आज हो गया 23 तारीख, और परसों 25 तारीख से अनअकैडमी अपने फीस को बढ़ा रहा है, तो यदि आप टारगेटेड हैं, सीरियस हैं अपने सपनों को लेकर के, तो समय रहते बैच को परचेज कर सकते हैं, और आपको एक ही फीस में सारे के सारे टीचर, सारे के सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड SURE60 का यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और बेहतर कर सकते हैं, यही कहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।